جو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک
जो हम सही कहते हैं वो इतनी गहरी इतनी गहरी आपको अल्लाह के फजल से अल्लाह के करम से हर जगह पर आले नबी औलादे अली नजर आएगा। जहां भी आप जाएंगे कि वाकई करबला पेश क्यों हुआ, वाकई करबला की भगवत क्यों आई, वाकई करबला में इतनी शहादतें क्यों हुई, वाकई करबला में ऐसी बगावतें क्यों हुई, ऐसी बेरुखाइयां क्यों हुई, आले नबी को किस किस तरह शहीद कर दिया गया। जो लोग इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ रहते हैं, इमाम हुसैन के हामी हैं, इमाम हुसैन का जो तरीकाकार था, जो उनको जाने वाले थे, जो उनको मारने वाले, उनकी तकलीद करने वाले थे, उनको हुसैनी कहते हैं, हुसैनियत कहते हैं। और जो लोग यजीद की हमायत करते थे उनको, जो बातें का रास्ता प्यार करते थे उनको यजीद कहते हैं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला को आपको शहीद क्यों किया गया, फलसफा के सामने रखता हूं कि एक तरफ हुसैन हो गए दूसरी तरफ यजीद हो गया, वजह क्या थी, क्या ये इब्तदा की जंग थी, क्या ये हुकूमत के लिए सारा कुछ था, क्या ये अपने खानदान के लिए जंग थी, क्या हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला यजीद के खिलाफ यजीद के कारनामे ऐसे थे। यजीद चाहता था कि हर जगह पर शराब हलाल हो जाए, शराब को उसने आम करना था। इसी तरह यजीद ये चाहता था बेटियों के साथ बहनों के साथ निकाह को आम कर दिया जाए, निकाह को हलाल कर दिया जाए, वो अपनी शरीयत लाना चाहता था। और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हो, आता हुआ देखें, गिरता हुआ पाए, आप खुद खड़े हो, जाकर इमाम हुसैन को जाकर लेकर आ जाए, इमाम हुसैन की तरफ उठकर चले जाएंगे, ये मेरा नवासा गिर ना जाए। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा आप देखती हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आते हैं, आपके बाएं बाजू पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं बाजू पर आपके लंबे दिगर हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह तआला को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, आपके बाएं बाजू पर हैं जिब्रील आते हैं, कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपके जो दो शहजादे हैं के लिए खुद भी कुर्बान होना पड़ता है।
इलाके की कमेटी, इलाके के लोग कफन दफन का इंतजाम करते हैं, वहां पर कोई कफन कफन दफन का इंतजाम नहीं है। और कफन दफन तो दूर की बात रही, पीने को पानी तक मुयसर ना था। सात मुहर्रम अल हराम को पानी बंद कर दिया गया, छोटे छोटे बच्चे नन्हे अली असगर वो भी पानी की वजह से तड़पते हैं। लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने कभी यह ना कहा कि मेरे ऊपर पानी को बहा लिया जाए। इमाम हुसैन का सब कुछ टकरा दे दिया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला को खत लिखा गया कि ए इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला, अगर आप कूफा की तरफ नहीं आएंगे, अगर आप हमसे बैत लेने के लिए नहीं आएंगे, तो कल दौड़े क्या हम आपका, आपके नाने का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गरीबान पकड़ेंगे कि आप हमारी बैत लेने के लिए नहीं आए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला चले आते हैं कूफा की तरफ, और कूफा वालों ने बच्चे को न देखा, औरतों का लिहाज न किया, औरतों की इज्जतों को पामाल किया गया। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला को आपको शहीद कर दिया गया, आपको दफनाने के बजाय यज़ीदी फौज ने इमाम हुसैन को, वो इमाम हुसैन जिनको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में हो, सजदे में हो, और आकर इमाम हुसैन बैठ जाए, सजदे को इतना तवील कर दें, इतना तवील कर दें, पीछे से कुछ सहाबी उनका देखना भी शुरू कर दें कि ये रूह तो बर्बाद नहीं कर गई, तब ये करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुछ क्यों नहीं रहे। जब देखा नमाज के अलग तौर का सामने देखते हैं कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों पर सवार हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वजह से अपने सर को नहीं उठा रहे कि मैं सर को उठाऊं और मेरा ये नवासा गिर ना जाए, इसने जाकर भी मुकाबला करना है कर्बला के मैदान के अंदर। बहरहाल जब शहीद भी कर दिया गया, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला का जो सर मुबारक था बड़े ही इबरतनाक मौजा, इबरतनाक मंजर था, अफसोसनाक वाकया था। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला को आपका सर मुबारक नेजे की नोक पर रख कर वहां गलियों बाजारों में, गलियों बाजारों में घुमाया गया। मतलब कहने लगे हमारा इस्लाम तो यहाँ तक है, हमारा इस्लाम के तक क्या है, अगर कोई शख्स मर जाए, अगर कोई शख्स मौत हो जाए, अगर तुमने उसको गुस्ल देना है, गुस्ल भी इस तरीके से देना है, सारे समझदार लोग बैठे हैं, गुस्ल आपने ऐसे पानी से देना है, सर्दी हो तो पानी को नीम गर्म करके ताकि मुर्दे को तकलीफ ना हो। वहां पर क्या किया जा रहा है, सर भी कटा हुआ है और वो सर को इस तरह गलियों में घुमाया जा रहा है, किस तरह तजवीर की गई। बहरहाल जब यजीद के हाँ उस सर को पेश किया गया, तो यजीदी फौज के ही कोई बंदा एक छड़ी लेता है और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला को आपके होंठों पर छड़ी मारकर कहता है, आज हमने बदर वाले को बदला दे दिया। कितना अफसोसनाक मंजर है कि वो होंठ मुबारक, वो लब मुबारक जिनको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुमा होगा, प्यास से आपकी जुबान पाए आए, नबी करीम अपनी जुबान को जज्बा दिया करते, ए इमाम हुसैन इसको चूस लो, इसको तुम पी लो, तुम्हारी प्यास खत्म हो जाएगी, ओ इमाम हुसैन। बहरहाल यजीदियों ने, अच्छा जब कर्बला का वाकया पेश भी हो गया, उसके बाद के जो मामला थे वो उससे भी बदतर रहे। जब ये सारे वाकया हो गए, यजीद ने अपनी फौज को मदीना की तरफ भेजा कि जाओ, 3 दिन के लिए तुम्हारे लिए सब कुछ हलाल है, जाओ तुम जाकर जितनी मर्जी दो नबियां करते हो, जितनी मर्जी करप्शन कर लो, जो जो तुमसे ज्यादा हो सकती है, चाहे जिनसी तशद्दुद है, औरतों की इज्जतों को लूट लो, जाओ तुमने जाकर मदीने पर हमला करना है, जाओ तुमने जो कुछ करना है 3 दिन करो, मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज का, जो कुछ भी करते हैं करो, मैं इसका ठेकेदार, तुमने घबराना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर जब वहां पर लोग पहुंचे, मदीना मुनव्वरा के ऊपर तीर बरसाए गए, मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े खच्चर बांध दिए गए, अजानें, इकामतें, नमाजें सब कुछ मुअत्तल कर दिया गया, बहुत सारे सहाबा को, बहुत सारी सहाबियात को शहीद कर दिया गया। रवायत में आता है कि 700 सहाबा को उस मौके पर शहीद कर दिया गया। अगला सुनो देखिए, हजरत
इकामत नमाज का सिलसिला मुअत्तल हो गया है। आपने जैसे ये मामला देखा, आप रोजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते हैं, वहीं पर लेट जाते हैं, वहीं पर लेट जाते हैं, 3 दिन तक मस्जिद नबी के अंदर अज़ानें ना हुई, इकामत ना हुई, नमाज ना हुई, कोई भी दीन का अमल नहीं किया गया, मस्जिद के अंदर सच्चे घोड़े ऐसी नजरें अंदर बांध दी गई। तो 3 दिन वो सहाबी रसूल कहते हैं कि मैं जैसे रोजे के पास लेटा, अल्लाह की इज्जत की कसम है, जब भी अजान का वक्त होता मुझे रोजे रसूल से अजान के बाद आया करते थे। ये इस्लाम था। हजरत इमाम हुसैन को सबक इस्तकबार की वजह है। और इससे भी एक बात सुनिए, वहां पर हजरत सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप बहुत ही बुजुर्ग थे, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे, जैसे ये बुजुर्ग बैठे की दाढ़ी बड़ी हो और काफी उम्र भी हो गई हो, वो बहुत बड़ी उम्र के सहाबी थे, वहां पर मौजूद थे। आपको करबला के वाकये के बाद आपको नबीना कर दिया गया, आपको अंधा कर दिया गया, आपकी आंखें जाया कर दी गई। कितना बड़ा जुल्म किया उन्होंने। यही नहीं, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उन्होंने इस तरह उड़ाया, हम बयान नहीं कर सकते। वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु की दाढ़ी कुछ बड़ी थी, बड़ी खिलाड़ियों की वो यजीदी फौजियों ने, यजीदी लश्करियों ने, यजीदी हवालियों ने उनकी दाढ़ी को पकड़ा, दाढ़ी को पकड़कर हजरत सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारते रहे। सुन्नत रसूल का मजाक उड़ाया गया, दाढ़ी पकड़ी, मुंह के ऊपर थप्पड़ मारे। लोग कहते हैं कि क्या ये जंग की तादाद की नहीं, ये जंग की तादाद की नहीं थी, ये जंग दीन की थी, ये जंग इस्लाम की थी, ये जंग हक और बातिल के दरमियान की थी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु किस तरह बयान कर लेते, जब ये सारे मामलात हुए, सारे वाकयात हुए, हजरत इमाम हुसैन किस तरह बयान करते हैं मैदान के अंदर, हमें सबक क्या मिलता है, उस सबक की तरफ आता हूँ। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर का एक एक फर्द छोटा देखा, बड़ा देखा, किसी को भी नहीं देखा। और इस मौके पर एक जो खास बात है वो मैं करना जरूरी समझता हूँ कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब आपका वक्त शहादत करीब आया, आपने औरतों को इकट्ठा किया, औरतों से मुखातिब हुए, खिताब किया, ए औरतों अब मेरी शहादत का वक्त आ चुका है, अब मैंने शहीद होना है, अब मेरे पास वक्त बाकी नहीं रहा, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताकर जा रहा हूँ, इन चीजों पर आपने अमल करना है। वो चीजें क्या है? हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने औरतों को खिताब किया, कहा ये औरतों मेरी शहादत का वक्त करीब आ चुका है, अब कितनी गुंजाइश नहीं, बाकी नहीं कि मैं आपके साथ लंबी बात करूँ, सिर्फ इतना कहता हूँ कि ये औरतों अपनी इज्जतों का ख्याल रखना है, आपने बेपरदगी नहीं करनी, आपने हाय मारपीट मारदार इस तरह की चीजें नहीं करनी, आपको अफसोस जरूर होगा क्योंकि बच्चे भी पड़े हैं, जवान पड़े हैं, अभी मामले से इनका खुलासा आपके सामने होगा, लेकिन आपने मारपीट नहीं करनी, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, आपने सब्र के दावों को छोड़ना नहीं है, आपने पर्दे को कायम रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपने किसी का ख्याल रखना है, पर्दे का ख्याल रखना है, कुछ भी हो जाए अब सब्र ही करना है। इसलिए इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला को जब आपका शहादत का वक्त आ गया, 3 दिन के प्यासे हैं, कुछ पानी बुजुर्ग के लिए दूर की बात पीने के लिए नहीं था, और ये 3 दिन ऐसे में साफ खबर को पानी बात किया गया, और इन दिनों में मतलब मुसलमान जितनी भी है गमगीन होती है, वो सो करती है, परेशान होती है, लेकिन एक बात ये है कि हम हाई हुसैन वाले नहीं हैं, हम बा हुसैन वाले। इमाम हुसैन की जो शहादत थी, अगर इमाम हुसैन शहीद ना होते, इमाम हुसैन अगर शहीद होते तो फिर क्या होता, हर घर में यजीद होता, हर जगह पर शराब आम होती, पंखे दामों में इतनी गुजाय थी, आगे जो कुछ इंतजार कर चुका हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का आखिरी पैगाम याद सुन लिया। जब आपकी शहादत का वक्त आ गया, आपने यजीदों को कहा बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं अल्लाह के यहाँ ये सबक है, सारे का सारा फलसफा का प्रकार यही है कि
हाथ में कुछ भी हो जाए अल्लाह के हाँ अपने सर को झुका लेना है। इमाम हुसैन कहते हैं बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो मैं अल्लाह के हाथ सजदा करूँ। इमाम हुसैन ने एक सजदा किया शुक्रिया अदा कर रहे थे अल्लाह का कि यार आपका शुक्र है तूने मुझे इस्तकामत बख्शी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर भी ये नहीं कहा कि ए अल्लाह इमाम हुसैन को करबला के अंदर बचा लेना, हर जगह पर आपकी तो दुआ मिली है वो यही मिल रही है ए अल्लाह इमाम हुसैन को सब्र अता करना, ए अल्लाह इमाम हुसैन को सब्र अता करना, बस यही मेरी दुआ है। इमाम हुसैन ने एक सजदा किया काफ़ी वक्त गुजरा सजदे ही कर रहे थे जालिम नकीर पर साहब कहा उठ से आप ये तू ड्रामे कर रहा है ये तुम मरने से घबरा रहे हो तो सजदे से लम्हा कर रहे हो तुम्हें मारे नहीं आपने छोड़ना नहीं है। इमाम हुसैन किससे डरना था अपने पूरे पूरा घर भी कुर्बान कर दिया और अपनी कुर्बानी बच्चे आपके सामने अगर कुर्बान कर दिए जाएँ तो दिल में बंदे का हिल जाता है लेकिन वहाँ पर इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानियाँ के पेश की और इस्लाम को मजबूत बख्शी। और यही मेरा पैगाम है कि कुछ भी हो जाए आपने नमाज को कायम करना है। नमाज कायम करना पढ़ने का मैं नहीं कहता नमाज कायम करने के तो नमाज ऐसी पढ़ें जैसी इमाम हुसैन ने पढ़कर दिखाई। पर नमाज का फलसफा ये है नमाज जैसे पढ़ें मेरे तो ये है कि आप अल्लाह का दें लेकिन ये उससे कम कर चलिए है कि आप ये समझ कर नमाज पढ़ेंगे अल्लाह आपको देर करना बस यही इस पर इतफाक करता हूँ। अल्लाह करीम हमें इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और उन्होंने जो करबला के अंदर कुर्बानी पेश की और ये हक के साथ था और बातिल के खिलाफ एक जंग थी हमें इस्तकामत पाई और इसी वजह से अल हसन वल हुसैन सैयद अशरा कि वो जन्नत के मुकाम के सरदार बनेंगे। इससे मोहब्बत करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करवा लेना। ये मैं दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ इसी पर मेरा इतफा होगा कि पहली चीज़ तो ये है कि मैं आपको कुरान देकर जा रहा हूँ आपने कुरान को पढ़ना है। कुरान रमजान में पढ़ने वाले बहुत सारे मिलते हैं लेकिन उसके बाद मस्जिदें बेराम हो जाती हैं आपने कुरान को थाम लेना है। और दूसरी चीज़ मेरी आले बैत है आपने आले बैत के दामन को थाम कर रखना है आले बैत के नक्शे कदम पर चलना है कभी गुमराह ना हो। यही दो चीज़ें हैं अल्लाह करीम हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।